जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार फौजी पे। तो भाई आज का एक फिर से नया वीडियो आ रहा है अपना, वो भी मेडिकल से रिलेटेड है। आप सभी के बहुत कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी कि सर दांतों का मेडिकल के बारे में बताओ, दांतों में कौन कौन सा मेडिकल आपको मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है। मतलब किसी के टेढ़े मेढ़े दांत है, किसी के दांत नहीं है, किसी के दांत खराब हो रखे हैं या किसी के पायरी हो रखा, तो किस किस में आपको सीधा रिजेक्शन मिलेगा, किस में आपको रिमेडिकल के लिए पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है थोड़ा बहुत, बल्कि मैं छोटा बनाने की कोशिश करूंगा वीडियो को, लेकिन फिर भी आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आपको टोटल जानकारी दांतों के बारे में पूरी मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी दांतों के पॉइंट से बचना है। देखो, बहुत से लोगों की एक कंडीशन बताता हूँ आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दांतों में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो लोग दांतों के पॉइंट कन्फर्म ले लेते हैं, वो जानबूझ के लेते हैं। कई की आदत होती है, मेरा दोस्त था उसकी आर्मी की वजह, तब उसको भी मैंने बोला था कि भाई कानों की सफाई दांतों की सफाई करवा के जाना, वो नॉर्मल वो भी नहीं करके गया, उसको पॉइंट मिल गया दांत और कान में दोनों में मिल गया। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि दांतों में और कानों का जब आपको मेडिकल होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि दांतों में जब आपका मेडिकल होता है ना, तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ब्रश जरूर करके जाना है। सुबह जा रहे हो तो भी आपको ब्रश करके जाना है, शाम को अगर जा रहे हो आपका मेडिकल तो भी आपको ब्रश करके जाना है। ठीक है, ब्रश करना बिल्कुल भी मत भूलना और ब्रश अच्छे से करके जाना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे मान लो आपका दांतों का मेडिकल है 10 तारीख को, तो आपको 5-6 दिन पहले आपके दांतों की सफाई करवानी है। लगभग 400-500 रुपये कोई भी क्लिनिक वाला लेता है, 400-500 रुपये में आपके अच्छे से दांत साफ हो जाते हैं। दांतों की सफाई करने से क्या फायदा होता है ना, कि आपके जो मतलब गुटखा तंबाकू नहीं खाते ना, उनके भी दांत थोड़े बहुत हल्के हल्के येलो होते हैं, तो वो सब क्लीन हो जाता है, बिल्कुल आपके दांत व्हाइट हो जाते हैं। देखो, उससे एक दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है डॉक्टर पे, अगर आपके दांत थोड़े बहुत भी अगर उसको खराब देते हैं, तो वैसे देखो वो थोड़ा मतलब ऐसे हो जाता है, तो आपको दांतों को अच्छे से सफाई करवा के जाओगे ना, तो आपको डॉक्टर पे अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा बहुत फायदा कहीं ना कहीं कर देता है। ठीक है, तो देखो दांतों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको सफाई करवा के जानी है दांतों की। और जब भी मेडिकल आपका होता है, तो आप कुछ खा पी लेते हो ना मेडिकल में, थोड़ा बहुत आपके दांत मुंह में थोड़ी बहुत बदबू आने लगती है, उसके लिए आपको अच्छे से कुल्ला वुल्ला करके पानी वानी से साफ करके मुंह को फिर जाना है, ताकि डॉक्टर को कुछ अनकंफर्टेबल फील ना हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सर दांतों में कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, कौन से पॉइंट में सीधा रिजेक्शन मिलता है, कौन से पॉइंट में क्या होता है। देखो, कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, मैंने बहुत से वीडियो देखे यूट्यूब पे, कई लोग बताते हैं कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको सीधा रिजेक्शन मिलता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई सीधा रिजेक्शन नहीं मिलता है। देखो, पहली बात तो मेरे साथ के यहाँ बहुत लड़के हैं जिनके हद से ज्यादा दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कोई रिजेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, देखो मेरे खुद के आप दांत देखना, जो मेरे नीचे वाले दांत हैं, मैं मतलब दूसरों का नहीं दिखाऊंगा आपको कि इस लड़के कैसे हैं उसके कैसे हैं, क्या पता वो फैले के पास है, मैं मेरा खुद का आपको एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा। देखो मेरे नीचे वाले दांत आप देख लेना, भी दिखाऊंगा आपको, थोड़े बहुत हल्के हल्के टेढ़े मेढ़े हैं, तो उससे कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा आपको, आप देख लेना एक बार अच्छे से। देखो ये दांत है मेरे नीचे वाले, ये अंदर के सगवा है, थोड़े बहुत हल्के हल्के टेढ़े मेढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आपको इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। अगर आपके हद से ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन हल्के टेढ़े मेढ़े हैं ऐसे तो कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात यह कि कुछ लोग बोले सर टेढ़े मेढ़े हैं तो हम इनके तार वार लगवा लेते हैं, भाई तार लगवाने का एक टाइम होता है, वो भी गया। ठीक है, अभी अगर आप तार लगवा के जाओगे ना इसमें, तो आपको वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे, वो तार तो निकलवा के आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं सर दांत बड़े हैं निकले हुए, वही उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा एक क्या होता है ना कि आपके दांत है ना ऊपर नीचे वाले दांत मिलने चाहिए, ऐसे टिके हुए होने चाहिए आपके दांत, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक, तो इसमें आपको रिजेक्शन मिल सकता है अगर बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हो तो डायरेक्ट रिजेक्शन मिलता है, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर आपके देखो मान लो जैसे पायरी है, पायरिया क्या होता है ना आपके मसूड़े सूज जाते हैं नीचे से यहाँ से ऊपर से, अगर आपके पायरिया हो रखा है तो भाई आपको डायरेक्ट सीधा रिजेक्शन देगा, पॉइंट में नहीं देगा मेडिकल का, रिमेडिकल के लिए नहीं बुलाएगा, सीधा आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो पायरिया वाला भी बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सीधा रिजेक्शन किस में मिलता है। ठीक है, अगर ये दो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इनमें आपका सीधा सीधा रिजेक्शन मिलेगा। तीसरा कई क्या समस्या होती है कि दांतों में गैप होता है, जैसे ऊपर वाले 10 दांत है, इन 10 दांतों के बीच में थोड़ा बहुत गैप हो गया, भाई अगर हल्का फुल्का गैप है कुछ नहीं होता, ज्यादा गैप भी होता है ना तो भी गैप वालों को बहुत कम चांस होता है कि आपको बाहर करेंगे, दांतों में अगर आपके गैप है तो बिल्कुल भी बाहर नहीं करते हैं, तो गैप वाले भी डरना मत, कोई समस्या नहीं होगी, बस दांतों की सफाई करवा के आना। तीसरा मेजर समस्या क्या होता है, कई जगह दांत अंदर से खराब होते हैं, जैसे किसी की जो जाड़ होती है वो खराब होती है, कीड़ा लग जाता है, तो भाई देखो मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपके दांत जाड़ वाड़ खराब है, तो देखो कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे दर्द होता है उसमें तो हम करवा नहीं सकते, भाई दर्द तो झेलना पड़ेगा आपको, सुन की सुई लगवा के फिर करा लेना, लेकिन आप उसमें मसाला फिल करवा के आओ, ठीक है, कैप लगवा के आओ, तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा आपको, रिजेक्ट करे तो आप मेरे को बताना कि सर हमें इसमें रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप कैप डलवा के जा रहे हो मसाला डलवा रहे हो तो आपको रिजेक्ट करेगा।
मसाला या कैप आप दांतों में लगवा रहे हो, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो कई बार क्या होता है ना, जो अक्कल जाड़ होती है वो बाद में आती है, कई बार जाड़ वाड़ है ना वो मतलब साइड में चली जाती है, मतलब तिरछी उग जाती है, ऊपर रह जाती है, किसी के नीचे रह जाते हैं। तो भाई उसमें आपको कोई रिजेक्ट नहीं करने वाला, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे जो दांत लगवाया था हमने, अगर देखो आप नकली दांत लगवा रहे हो किसी के दूसरे दांत की जगह, उसको उखड़ा के नकली दांत लगवा रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नकली दांत वाले को भी कोई रिजेक्ट नहीं करता है, बस आपके वो दांत अच्छे से स्क्रू से कसा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हिल रहा है ऐसे कर रहा है, बिल्कुल मतलब सही होना चाहिए वो, उसमें भी कोई समस्या आपकी नहीं रहती है। दूसरी बात, आपके दांत कितने होने चाहिए भाई, देखो मैं तो यही बोलूंगा, जहाँ मतलब सामने वाले दांत जो आपके दिख रहे हैं वो तो आपके लगभग पूरे दांत होने चाहिए, अगर उनमें से कोई दांत टूटा हुआ रहता है तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, पीछे के दांत में फिर भी आपको चल जाता है 19-20, और फिर भी अगर आपके दांत नहीं तो भाई आप जो दांत मिलते हैं आजकल नकली दांत रहते हैं वो आप लगवा के जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपको। देखो दांतों से संबंधित ये लगभग मोटी मोटी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, दांतों में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको कि आपकी पायरिया ना हो, सबसे पहली बात है पायरिया नहीं होना चाहिए आपको। दूसरी बात क्या कि अगर देखो जिसके मतलब टेढ़े मेढ़े दांत हैं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा, तो वही उनका वो टाइम निकल चुका जब वो दांतों में मतलब जो तार होता है वो लगवा सकते, अभी वो नहीं लगवा पाएंगे, लेकिन ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो 2025 की भर्ती देख रहे हैं। अगर आपके दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत ज़्यादा गैप है, या कोई दांत निकला हुआ है, खराब है, सड़ा हुआ है, तो उसके भी से मतलब आप दांतों में तार वार लगवा लेना, और सड़े गले दांतों को निकलवा देना, वैसे वाले दांत लगवा लेना, मसाला फिर करवा लेना, कैप लगवा लेना। और दूसरी बात भाई ये कि जो इस मेडिकल में आ रहे हैं, तो भाई अब तो देखो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो कोई तार लगवा सके, हाँ दांत आप निकलवा सकते हो, दूसरा दांत लगवा सकते हो, उसका जरूर आपके पास अभी टाइम है, उसके लिए आप कर सकते हो, उसके अलावा भाई आपका टाइम निकल चुका है अभी। लेकिन मैं फिर से आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जब भी आप आते हो मेडिकल में, आपको ब्रश व्रश करके आना है, लगभग 5-6 दिन या 10 दिन पहले जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब आप दांतों की सफाई करवा के आना, ठीक है। और तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो आपको बता दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बोलते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों में डायरेक्ट रिजेक्शन मिल रहा है, भाई टेढ़े मेढ़े दांत में डायरेक्ट रिजेक्शन का कोई कॉलम नहीं है, आपको रीमेडिकल दे देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। और मैंने अपने दांत आपको दिखा दिए, हल्के टेढ़े मेढ़े अगर दांत होते हैं, और कई बार क्या होता है ना कि सर मेरा देखो दांत टेढ़े मेढ़े यहाँ से दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार दांत है ना साइड में से टूट जाता है, हल्का सा ऊपर से नोक टूट जाती है, तो देखो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छे से आप देखो तो मेरा भी एक ऊपर वाला दांत की हल्की सी साइड में टूटा हुआ है, हल्का सा साइड में से टूटा हुआ होता है दांत, उसमें भी कोई समस्या नहीं रहती है, बिल्कुल भी डरना नहीं आपको, अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंट होकर भी पॉजिटिव होकर आपको मेडिकल करवाना है, आप मेडिकल में बिल्कुल पास हो जाओगे, हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। और दांतों से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका बिल्कुल कमेंट का हर कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लगभग आज तक ऐसा कोई कमेंट नहीं गया जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।